नमस्कार, मैं हूं निशा गई, पामिस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर। और अपने यूट्यूब चैनल पे हमेशा पामिस्ट्री विद निशा गई में मैं नई नई तरह की वीडियोस लाती रहती हूं, नए नए उपाय आपको बताती रहती हूं, आपका मार्गदर्शन करती रहती हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका लकी चार्म क्या है। जी हाँ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें उसके हिसाब से आपका लकी चार्म क्या है। ऐसी कौन सी चीज़ आप रोज़ अपने पास रखें जिससे कि आपके जीवन में खुशियाँ आए और आपकी किस्मत में चमके और आपका जो किस्मत कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो जाए। हर डेट ऑफ बर्थ का एक लकी चार्म होता है और अगर हम उस चीज़ का उपयोग रोज़ करते हैं या किसी बहाने हम उसे रोज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारा किस्मत कनेक्शन स्ट्रांग होता है, हमारी लक का में बढ़ोतरी होती है, हमारी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम होती हैं। तो लेते हैं हम सब आपकी डेट ऑफ बर्थ और आप देखते रहिएगा कि आपका लकी चार्म क्या है जिसको कि आप रोज़ यूज़ करें। और आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल है पामिस्ट्री विद निशा गई, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिएगा। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1/10/19 या 28 ऑफ एनी मंथ तो आपका लकी चार्म जो रहेगा वो रहेगा एक लकड़ी का टुकड़ा। जी हाँ, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा आपके लाइफ में लक ला सकता है। आपको चाहिए कि आप ये लकड़ी का टुकड़ा हर रोज एक ले लीजिए और हर रोज उसे अपनी जेब में रखिए या कोई लकड़ी की स्टैचू आप अपने ऑफिस की टेबल पे प्लेस कर दीजिए ईस्ट डायरेक्शन में, वो भी आपके लक में बढ़ोतरी लाएगी, आपकी परेशानियों को कम करेगी। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ है 2/11/20 या 29 2/11/20 या 29 तो उनके लिए सबसे अच्छा जो लकी चार्म होता है वो होता है सिल्वर। आप पे कोई भी 4 इंच का स्क्वायर सिल्वर पीस ले लीजिए और आप उसको अपनी जेब में हमेशा रखिए। अगर आपको ये लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है पीस तो आप चांदी को किसी भी रूप में, गले की चेन के रूप में, कॉइन के रूप में अपने पर्स में रख सकते हैं, गले में रख सकते हैं। तो ये है आपका लकी चार्म और ये आपकी किस्मत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी लाएगा और आपके रुके हुए काम धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे। अगर 3, 12, 21 या 30 नंबर वाले 3/12/21 या 30 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनके काम रुक जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम अक्सर हो सकता है वो आजकल फेस कर रहे हों, तो उनको एक हल्दी का टुकड़ा ले लेना चाहिए और उसको किसी येलो कपड़े में डाल के अपनी पॉकेट में वो हमेशा रखें। अगर आपको लगता है कि आपकी पॉकेट में हमेशा रखना पॉसिबल नहीं है तो उसे अपनी वर्किंग टेबल पे तो ज़रूर रखिए, नहीं तो मंदिर में रखिए। आप देखिएगा कि किस प्रकार से आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी और भगवान आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे। फॉर डेट ऑफ बर्थ 4/13/22 एंड 31 उनके लिए जो लकी कलर चीज़ रहेगी वो रहेगी ब्लू फ्लावर्स। जी हाँ, ब्लू फ्लावर्स को आप अपनी टेबल पे खूबसूरती से सजा दीजिएगा रोज़। आप देखिएगा कि आपके जितने कर्जे संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो रुक रुक के काम होते हैं, आप में कॉन्फिडेंस लेवल की प्रॉब्लम है या आप स्किन प्रॉब्लम से तंग आ रहे हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो ब्लू फ्लावर्स को अपने ऑफिस या अपने घर में ज़रूर प्लेस कीजिएगा अपनी लक चार्म को अट्रैक्ट करने के लिए। फॉर डेट ऑफ बर्थ 5/14/23 आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी रहेगी बांसुरी। प्लीज बाय इट फ्रॉम द मार्केट। बांसुरी एक छोटी सी चीज़ है जो आप मार्केट से खरीद के आ सकते हैं और अपने घर में रख सकते हैं आराम से, और नहीं तो अपने ऑफिस में भी आराम से इसको ड्रॉ में रख लीजिएगा, फिर आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। फॉर पीपल हु आर बॉर्न ऑन 6/15 एंड 24 उनको घर से हमेशा अगर लक लानी है अपनी लाइफ में, लक को अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, तो दही खा के घर से निकलना चाहिए।
बहुत छोटा सा उपाय है जिसको आप करेंगे तो आपकी जितनी फैमिली रिलेशन संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, लव रिलेशन संबंधित प्रॉब्लम है, या आपको हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो भी ठीक हो जाएंगी और ये लाएगा आपके लाइफ में लक। फॉर पीपल हु आर बॉर्न ऑन 7, 16 and 25, दे शुड एक्चुअली कीप अ रिलीजियस बुक ऑन देयर टेबल और इन देयर ड्रॉ। आप कोई भी धार्मिक किताब अगर अपने ड्रॉ में रखते हैं हमेशा, चाहे छोटा सा कोई भी हनुमान चालीसा हो या गुटका हो, गीता का गुटका भी आप रख सकते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही लकी चीज़ है। आपकी लाइफ में, किस्मत में बढ़ोतरी आएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पीपल आर बॉर्न ऑन 8, 17 and 26, उनको तो घर से बहुत ही आसान सी तरीक बता रही हूँ, शू को पॉलिश कीजिए और फिर घर से जाइए बाहर। जी हाँ, हमेशा जब भी घर से निकलना हो तो सबसे पहले अपने शू को पॉलिश कीजिए और अपने घर से जाइए। देखिए कितना आसान से लकी चार्म्स मैं आपको बता रही हूँ जो आप आसानी से रोज कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और आप लोग जो होंगे अपने जीवन में खुशियाँ लेके आएंगी आपके। पीपल आर बॉर्न ऑन 9, 18, 10, 29th ऑफ एनी मंथ, उनके लिए एक तांबे का सिक्का हमेशा वो गले में पहन के रखे, इससे उनकी लाइफ में लक आएगा। जैसे मैंने कहा, दिस इज योर लकी चार्म, सो यूज दीज मटेरियल्स अपने रोज की लाइफ में, इन्हें ऐड कीजिए और लाइए अपनी लाइफ में लकी चार्म। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री विद निशा गई सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा फेसबुक पेज है निशा एस्ट्रो पामिस्ट, और मेरा टेलीफोन नंबर है 9910808692। सो हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज लीव अ कमेंट इफ यू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल कम बैक विद यू विद सर्टेन फ्यू इंटरेस्टिंग टिप्स। सो हैव अ ग्रेट डे।